राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने एक बड़ी खुशखबरी का ऐलान किया है। इस साल से जुलाई महीने में शुरू होने वाले सत्र से सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को किसी भी तरह की कोई फीस नहीं भरनी होगी। राजस्थान सरकार अगले सत्र से बालिका निःशुल्क योजना को लागू करने जा रही है। फिलहाल सरकारी शैक्षिक संस्थानों में लड़कियों की शिक्षा शुल्क तो माफ है, लेकिन विकास शुल्क, लाइब्रेरी शुल्क समेत कई मदों के नाम पर बालिकाओं से शुल्क वसूला जा रहा है। लेकिन अब सीएम अशोक गहलोत ने ये शुल्क माफ करने का फैसला किया है। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बताया कि निःशुल्क शिक्षा की शुरुआत सरकारी कॉलेजों से की जाएगी। पहले चरण में प्रदेश के 252 सरकारी कॉलेजों में बेटियों के लिए शिक्षा निःशुल्क की जाएगी और इसके आधार पर आगे चलकर विश्वविद्यालयों में भी ये व्यवस्था लागू की जाएगी। अभी तक 8वीं क्लास की छात्राओं को सरकारी स्कूल में मुफ्त शिक्षा दिए जाने की व्यवस्था चल रही है। 9वीं क्लास में जाने पर ही उनसे थोड़ी बहुत फीस ली जाती थी, लेकिन अब सरकार के इस फैसले के बाद 9वीं क्लास में पहुंचने के बाद भी लड़कियों को आगे पढ़ाई करने पर कोई फीस नहीं देनी होगी। सरकार के इस कदम से छात्राओं में बेहद खुशी का माहौल है।